नमस्कार, ट्रैवलर अजयसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आए 200 साल पुराना जो गणेश मंदिर है सिकंदराबाद के पास में, यहाँ पे हम आए हैं। तो ये जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास में ये जो मंदिर है, इसका गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें मौजूद है गणेश जी का मूर्ति शंभु है। कहते हैं कि सालों साल पहले से यहाँ पे चमत्कार हुआ करते थे और आज तक यहाँ पे भक्त का बहुत भीड़ है। तो कौन सा है वो चमत्कार और क्या है मंदिर का कहानी, हम आगे आपको बताएंगे। ये मंदिर का ये विशेषता है कि यह मंदिर में जो मेरु यंत्र का पूजा किया जाता है, ये एकलता मंदिर है जहाँ पे मेरु यंत्र का पूजा किया जाता है। सब मंदिर में माता यंत्र की पूजा किया जाती है और ये मंदिर में एक नारियल बांध के पूजा किया जाता है और आपका मनोकामना पूर्ण होते ही नारियल को खोल दिया जाता है। तो आपका मन में भक्ति रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार आइए और यहाँ पे पूजा कीजिए, आपका जो मनोकामना रहता है वो आपको पूर्ण हो जाता है। और ये मंदिर में जो है पितृपक्ष का अन्न दिया जाता है, जो पुनः जन्म में जो पाप किया जाता है उसके लिए यहाँ पे अन्न दिया जाता है। और ये मंदिर में जो दुर्वा जो कहा से ना, दुर्वा से आपको पूजा किया जाता है और गणेश जी को जो शक्ति मिलता है, और वो दुर्वा को पूजा होने के बाद आपको घर में रख के अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर आपका घर में सुख शांति और धन दौलत का वृद्धि भी होता है। तो गणेश मंदिर कैसे स्थापित हुआ था ना, यहाँ पे जो आर्मी जवान जो पानी के लिए यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, खुदाई करने के बाद का टाइम पे यहाँ पे गणेश जी का एक मूर्ति मिले थे। तो पहले गणेश जी को मूर्ति को एक पीपल के पेड़ के नीचे रख के पूजा करते थे। और जब यहाँ पे सिकंदराबाद में जब रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ था, तब रेलवे का जो जनरल मैनेजर था, उन्होंने गणेश जी के बारे में सुना और गणेश जी को दर्शन करने के आए और उनका एक मनोकामना किए थे जो मेरे को एक पुत्र संतान हो जाए। तो जब रेलवे का जो काम चालू रहते ही वक्त, उनको एक जो जनरल मैनेजर के पुत्र संतान हो गए थे, उनका मनोकामना भी पूर्ण हो गए थे, तब से गणेश जी का मंदिर का कार्य स्थापित हुआ था, गणेश मंदिर को निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे मैं गणेश मंदिर के बारे में पूरा आपको जानकारी मैं दे दिया और गणेश मंदिर को भी घुमा के पूरा आपको दिखा दिया। तो एक बार आप ये गणेश मंदिर में आइए, आपको जो भी मनोकामना है गणेश जी के पास बोलिए तो आपको हर मनोकामना आपका पूर्ण हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। तो अगर पहली बार मेरा चैनल पर आइए तो मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो ला पाऊँ। और मेरे वीडियो को बहुत सारे शेयर कीजिए ताकि गणेश जी के मंदिर के बारे में सबको जानकारी मिल जाए और सबको मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। और यहाँ से मैं गणेश जी के पास मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी को जो मनोकामना है सबको गणेश जी उनका मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। जय गणपति जी की जय।